भाइयों स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल किसान पे। तो भाइयों आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे हम महिंद्रा 585 XT प्लस जो कि खेत में चल रहा है और प्लाउ पे ट्रैक्टर जो है चल रहा है। ठीक है भाइयों, तो ट्रैक्टर जो है चल रहा है, लोग थर्ड गियर में चला रहे हैं इसको और लोग थर्ड गियर में चल रहा है। और ट्रैक्टर जो अभी बात करें डीजल की, तो डीजल जो है ये मान के चलो कि एक घंटे में 3 लीटर डीजल ले रहा है और ये मान के चलो कि 1 घंटे 15 मिनट में जो है 1 बीघा की जुताई कर रहा है फिलहाल में मल्टी प्लाउ से। ठीक है भाइयों, और प्लाउ की गहराई अगर ठीक है भाइयों 585 XT प्लस 52 XT में ट्रैक्टर है, बिल्कुल नया मॉडल जो महिंद्रा ने लॉन्च किया है 4 सिलेंडर में। टायर इसके अगर देखो स्लिप तो इस प्रकार से खा रहे हैं और प्लाउ की गहराई आपको अगर बताएं तो ये ऐसे चल रहा है। ठीक है भाइयों, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर कुछ खास नहीं चल रहा है क्योंकि RPM ड्रॉप कर रहा है। अगर आप ध्यान से इसका साउंड सुनोगे तो आपको महसूस होगा उसमें कि ट्रैक्टर जो है RPM ड्रॉप कर रहा है और स्लिपिंग भी काफ़ी कर रहा है ट्रैक्टर। मतलब देखो आप ट्रैक्टर चल रहा है लो के थर्ड गियर में, तो लो के थर्ड गियर में तो ट्रैक्टर बिल्कुल भी RPM ड्रॉप नहीं करना चाहिए। मिट्टी मैंने माना थोड़ी हार्ड है लेकिन खेत मिट्टी भी इतनी भी हार्ड नहीं हुई है कि ट्रैक्टर जो है इतना लोड आए कि लो के थर्ड गियर में भी RPM ड्रॉप करें। ठीक है भाइयों, और ड्राइवर भाई बोल रहे हैं कि भाई को मैंने बोला था, मतलब जो ये ट्रैक्टर लेके आए उनको मैंने बोला था कि ट्रैक्टर जो है स्वराज 855 लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सामने वाले ने बोला कि ट्रैक्टर जो है 855 डीजल बहुत ज़्यादा लेता है, तो अपना काम क्या है किराए पर चलाते हैं तो अपन जो है ये ले लेते हैं। जो अब देखो आदमी कैसे ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, एक बार आपको ऊपर चढ़ के दिखा दो मैं। चला रहे इसको 10 स्पीड पे। ये देखो किस प्रकार से चल रहा है ट्रैक्टर, पूरा टायर काफी स्लिप मार रहे हैं। ठीक है भैया, RPM जहाँ से सुन रहे इसमें ट्रैक्टर RPM ड्रॉप करेगा आपको दिखेगा, बाकी आपको मीटर में अगर देखा होगा तो मीटर में देखो उस पर ध्यान से RPM ड्रॉप करा आपको दिखा पूरी तरह से ये और लोग थर्ड गियर में चल रहा है ट्रैक्टर। ठीक है भाई, अगर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।